तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ये ओसवाल सोल्डरिंग आयरन के बारे में। ये कुछ इस तरीके की सोल्डरिंग आयरन है, मेरे पास एक पहले भी थी लेकिन कुछ इस तरीके की थी, तो ये ख़राब हो गई है। इसका हीटिंग एलिमेंट चला गया है, ये मिल नहीं रही है। तो ये मतलब सोल्डरिंग आयरन तो मिल रही है, ये वाली 60 रुपये की आ रही है, 60 रुपये 50 रुपये इस तरीके की प्राइस है। और ये वाली जो मुझे पड़ी है ये 70 रुपये की पड़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके के ये बॉक्स देखने को मिलता है। ये उस वाला नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इसका सोल्डरिंग वायर वगैरह भी आता है, 35 वाट की है। और ये वाली इस तरीके की कुछ जनरली 25 वाट की जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये वाली जो है वो 35 वाट की है, उनमें 60 वाट अलग अलग वाट की भी आपको देखने को मिल जाती है विथ LED लाइट। तो इस ऐसा कुछ नहीं है, इसमें LED वगैरह नहीं है कुछ भी, और ये मतलब अलग है कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन 35 वाट, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर प्राइस वगैरह कुछ मेंशन नहीं रहता है, तो वो अपने हिसाब से दे देती हैं जितने में भी वो देना रहता है उनको। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये 35 वाट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक्चुअली जब वहाँ पे ले रहा था तो मैंने इसको चेक भी करवा लिया था एक बार कि भैया इसको एक बार चला के दिखा दो, नहीं तो पता चले घर पे ले गए हम तो गर्म ही ना हो। कुछ इस तरीके की ये देखने को मिलती है, ये इसकी डोरी है। तो देख सकते हो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की इसकी डोरी देखने को मिलती है, लेंथ भी ठीक ठाक ही है इसकी। और यहाँ पर ये लकड़ी का इसका हैंडल बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हो ये लकड़ी का जो है यहाँ पर हैंडल है। और तो जो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर ये कसा हुआ है नट से, तो ये निकलेगा नहीं। और यहाँ से ये डोरी अंदर गई है, यहाँ पर भी ये कुछ रबड़ का लगा हुआ है ताकि ये निकले नहीं। और यहाँ से देख सकते हो ये यहाँ से कसा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। ये घर पे भी बनाई जा सकती है लेकिन फिर उतनी मगजमारी कौन करे, 70 रुपये में आप ला सकते हो, क्योंकि उतने का तो सामान ही लग जाता है। जनरली 50-60 रुपये का आप सामान ला के बनाओगे, उससे अच्छा आप खरीद लो एक 70 रुपये की। तो ये देख सकते हो हीटिंग एलिमेंट इस वाली में भी रहता है, लेकिन इस वाली का हीटिंग एलिमेंट ये है। अब ये यदि ख़राब हो गया तो वही है, ये भी 20-30 रुपये का मिलेगा आपको। जनरली तो 10 रुपये का मिलना चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ तो ये 30-40 रुपये का बता रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर इसमें भी एक हीटिंग एलिमेंट होता है, एक चेंज ऐसा कुछ रहता है, यहाँ से ये दिख भी जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से मतलब एक चेंज ऐसा एक हीटिंग एलिमेंट रहता है इसमें। मैं एक इमेज ऐड कर दूंगा, इस वाले में वो रहता है और इस वाले में यही हीटिंग एलिमेंट रहता है। तो इस वाले में इसको 10 रुपये का लेकर बदल सकते हैं, और इस वाले का भी 10 रुपये का ही आता है, 10-15 रुपये का, इतने ही रुपये का आता है, वो आप लेके बदल सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हो। तो ये वाली सोल्डिंग आयरन भी काफ़ी बढ़िया रहती है, ये काली हो गई है क्योंकि मैंने वहाँ पर चालू किया था, उसको चालू करवाया था वहाँ पर, मैंने कहा था इसको चला के तो देख लेते हैं एक बार कम से कम। यहाँ पर भी देख सकते हो 35 वाट, थोड़ी सी जंग लगी है लेकिन ठीक है, उससे कुछ नहीं होता उतना। और वैसे भी फिर इस एरिए में उतनी मिलती भी नहीं है, ये इस तरीके की तो मिल जाती हैं 50-60 रुपये की। ये वाली आती है 50 रुपये 60 रुपये कुछ इस तरीके की रेंज में। और ये वाली आती है वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये 70 रुपये की पड़ी है मुझे। तो आप भी दोस्तों आप देख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार आपको कौन सा लेना उचित पड़ेगा। और जनरली जल्दी जल्दी नहीं ख़राब होती ये वाली सोल्डरिंग आयरन, ये वाली तो थोड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाती है, लेकिन ये वाली उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसका जो हीटिंग एलिमेंट रहता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, तो उसको उस वही जलता है, वही ख़राब होगा जब तक, तब तभी ये ख़राब होगी। इसमें हीटिंग एलिमेंट के तौर पर अंदर एक छोटा सा वायर रहता है, वो ख़राब हो जाता है, इसमें एक छोटी सी चेन लगी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो बाकी ख़राब के मामले में तो जल्दी ये ख़राब नहीं होती है, ये वाली थोड़ी सी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन बाकी फिर ज़रूरत के हिसाब से आप चुन सकते हैं। अब मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये वाली जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब 1 मिनट के अंदर ही गर्म हो जाती है, और काफ़ी अच्छी हीट हो जाती है, मतलब बहुत मतलब शानदार है, मुझे तो पसंद आई। क्योंकि इस वाले में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन इस वाले में टाइम नहीं लगता। अब ये तो हालांकि ख़राब हो गई है, अब इसका हीटिंग एलिमेंट कहीं मिलेगा तो देखेंगे, कहीं बाहर जाएंगे तब लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी है तो ये भी अच्छी है। यदि आप लेना चाहें तो इस वाली को भी ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा सा इसका मोटा पड़ता है, तो यहाँ से थोड़ी सोल्डरिंग में दिक्कत आपको जा सकती है। इस वाले की थोड़ी डिजाइन इस तरीके की है, और बाकी सोल्डरिंग इससे भी हो जाती है अच्छी, और सोल्डरिंग इससे भी हो जाती है अच्छी, और वो एक डिब्बी रहती है वो बैक से सीखी, उससे भी लगा कर आप कर सकते हो।
और ये हीट भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी हो जाती है हीट भी। तो दोनों ही अच्छी हैं अपनी जगह पर। अब आपको जौन सी भी, आप जिस तरीके से जौन सी भी से आप करते आए हैं उस तरह से आपसे आप चुन सकते हैं। तो ये है दोस्तों सोल्डरिंग आयरन, और ये मतलब घर पे छोटी मोटी जैसे बल्ब खराब हो गया या कहीं पर कुछ वायर उखड़ गया तो छोटी मोटी सोल्डरिंग करने के लिए घर पे लगती रहती है। तो कोई छोटा सा टांका भी लगाना है तो फिर बाहर कहीं जाओ घूमते फिरो, उससे अच्छा तो घर में एक लेकर रख लो, ये सही रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल एनवायरनमेंट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।